साथियों, एक अत्यंत दुखद खबर लेकर आया हूँ। अरुणाचल प्रदेश में चीन बॉर्डर से लापता हुए सेना के दो जवान, 29 मई के बाद से कोई सुराग नहीं। साथियों, आप सोचिए, 29 मई से भारतीय सेना के दो जवान लापता है और परिजनों को इनकी सूचना भी दे दी गई। परिजनों का रो रो के बुरा हाल हो रहा है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा पर तैनात उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में उमिखंड उकीमठ के चिलोना निवासी नायक प्रकाश राणा और एक अन्य जवान 14 दिनों से लापता है। 29 मई से लापता जवानों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला। सेना और स्थानीय लोग खोजबीन करने में जुटे हुए हैं। सेना की ओर से जवान के परिजनों को ये सूचना दी गई। लापता होने की खबर मिलने के बाद से परिजन बेहद परेशान हैं। मूल रूप से रुद्रप्रयाग जिले के चिलोना गांव निवासी नायक प्रकाश राणा 34 वर्षीय का परिवार देहरादून के अम्बीवाला के सैनिक कॉलोनी में रहता है। सातवीं गढ़वाल के तैनात नायक राणा इन दिनों अरुणाचल प्रदेश में चीन सीमा में लगी दाखला पोस्ट पर थे। 29 मई को सेना की ओर से प्रकाश राणा की पत्नी ममता को फोन आया कि आपके पति लापता हो गए हैं। ये भी बताया गया कि उनके साथ एक और सैनिक लापता है। दो दिन बाद ममता ने फिर से संपर्क किया तो बताया गया कि उनकी तलाश जारी है। ममता ने बताया कि पिछले दो दिनों से लगातार सेना के संपर्क करने की कोशिश कर रही है, लेकिन अब उनका फोन नहीं उठा रहे। उन्होंने जल्द से जल्द अपने पति को तलाशने की मांग की है। ममता कहती है कि उनके बेटे और बेटी अपने पिता के बारे में बार बार पूछते रहते हैं, लेकिन अभी तक उनके पति की कोई ठोस सूचना नहीं मिली। परिवार जवान के लापता होने से कई दिनों से काफी चिंतित है। भाजपा के सहसपुर विधायक सहदेव पुनीर ने राणा के परिजनों से मिलकर उनको आश्वासन दिया है कि वे ये मामला सरकार के सामने प्रमुखता से उठाएंगे। कैबिनेट मंत्री से मिलकर सेना के जवान के लापता होने की सूचना दी। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट को भी इस बारे में अवगत कराया। बताया गया कि स्थानीय लोगों की मदद से लापता जवानों की तलाश जारी है।